दोस्तों, मैं क्यों आपसे हमेशा कहता था कि आप फिटनेस के लिए महत्व दें स्टडी के साथ साथ, क्योंकि फिटनेस एक ऐसा ट्रेंड है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक कहानी और स्टोरी और एक उदाहरण लेके आया हूं मैं अंकित वायनपुरिया का, जो कि हरियाणा के एक मशहूर यूट्यूबर हो चुके हैं आज के टाइम पर। वो मशहूर क्यों हुए थे? 75 डे हार्ड चैलेंज, 75 दिन का उनने एक हार्ड कोर चैलेंज लिया था जिसको पर डे कम्प्लीट किया था। और मैं कहता हूँ कि अगर 75 दिन तक, 75 डेज तक आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी और आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ उस काम के लिए एडिक्ट हो जाएगा, उसके अलावा आपको दुनिया में कुछ नहीं दिखेगा। इनने 75 डे का फिटनेस चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसको पूरा किया, जिसके चलते भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई और इनका एक वर्ड बहुत फेमस हुआ कि राम राम भाई सारा ने। अभी हाल फिलहाल में इनको क्रिएटर के अवार्ड के तौर पर इंडिया के बेस्ट क्रिएटर, फिटनेस का बेस्ट क्रिएटर इनको अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो, पहले आप वीडियो को देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आप इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खुशी मिल रही होगी। कुछ अलग नहीं किया ये बंदा जो है, ये जोमेटो पे काम करते थे और वहाँ से मतलब कितना स्ट्रगल लाइफ होगी और जो टाइम था वो संघर्ष अपना खुद से किया, बिना रिग्रेट किए, बिना किसी से शिकायत किए, बिना इस बात का रोना रोया कि मेरे पास कुछ नहीं। आज नेम, फेम, दौलत, शोहरत, इज्जत और हर भारत का बंदा बंदा इनको जान रहा है। अब ये इस स्टेज के बाद इनको और लोग जानेंगे और बहुत सारे युवा इंस्पायर होंगे। अब इनकी एक खासियत क्या रही वायरल होने की? फिटनेस को तो महत्व दिया ही दिया, साथ ही साथ इनने वेदांत धर्म को भी आगे बढ़ाया। हनुमान जी के भक्त रहे, नाम लेके वर्कआउट किया और अपनी फिटनेस को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ हर बार इनके जब जब लाखवत सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे तो हरिद्वार जाके इनने गंगा स्नान किया और महादेव की साथ साथ भक्ति भी की। तो कहते हैं ना कि अगर आप अकेले हो जीवन में और लाइफ में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप खुद से लड़ने की आदत डाल लीजिए और भगवान के चरणों में अपना सर झुका दीजिए, आप निश्चित रूप से सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो युवा भाई अभी फिटनेस में जाना चाह रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी जो भी है उसको कंटिन्यू कीजिए, 1-1.5 घंटा आप फिटनेस के लिए निकालिए और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कीजिए। अब ये 1-1.5 घंटा जिस तरीके से आप डेली 3-3, 4-4 घंटे फ़ोन पे ख़त्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप 1 घंटा अपनी फिटनेस के लिए निकाल सकते हैं। मैं नहीं मानता कोई भी इंसान कितना भी बिजी है आज के टाइम में उसके पास समय नहीं है फिटनेस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिटनेस करेंगे, आप वर्कआउट करेंगे, आप जिम करेंगे, आप देसी वर्कआउट करेंगे तो आपको प्रधानमंत्री अवार्ड देंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, वो आपकी मेहनत पर निर्भर कर रहा है। लेकिन मैं फिटनेस के लिए क्यों इतना महत्व दे रहा हूँ, अगर आप फिट रहेंगे ना तो बहुत यूनिक चीज़ें आपके अंदर आएंगी, कुछ दूर भीड़ से अलग हटके कर पाएंगे और आपका एक अलग डेली रूटीन बनेगा और जो आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो अपने शौक के लिए फिटनेस कीजिए, खुद के लिए, किसी को दिखावे के लिए नहीं, किसी को देख के इंस्पायर मत होइए। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ जिस तरीके से आपकी बॉडी के लिए रोज़ खाना ज़रूरी है, उसी तरीके से आपकी बॉडी के लिए रोज़ वर्कआउट भी ज़रूरी है। और लोग इंतज़ार करते हैं कि मंडे से जिम जाएंगे और 1 महीने बाद जिम जाएंगे या नई साल से जिम जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रण लिया था इस साल कि नई साल से बॉडी बनाएंगे, वर्कआउट करेंगे, बहुत जोश में आके महीने भर की 6-6 महीने की मेंबरशिप जिम की ले ली, लेकिन 15 दिन के बाद ही यूँ गायब हो गए जिनसे उनकी शक्ल तक नहीं दिखी। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया होगा खुद से कि मैं कुछ बेहतर करूँगा लेकिन नहीं कर पाए। इस वीडियो को देखने के बाद जो इंस्पिरेशन मिली है वो यही है, कोई भी फील्ड आपका कहीं तक ले जा सकता है। जिस भी फील्ड में आप हैं, बस जी तोड़ मेहनत करने की आदत डालिए। जिस दिन आपने खुद को जीतने की मेहनत कर ली और खुद को आगे बढ़ाने का, खुद से लड़ने का प्रयास कर लिया, दुनिया वालों के सामने आप अपने आप आ जाएंगे। सबसे पहले आप अपने विचारों से, अपने अंदर जो आपका मन बैठा है वो आपको रोक रहा है, उससे आप लड़िए, आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। फिट रहें, मस्त रहें। छुट्टी भी काफ़ी हुई थी, काफ़ी दिन के बाद इस पर एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उम्मीद और आशा है आपसे कि निरंतर अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।